मेरे नौजवान एथलीट अस्सलाम वालेकुम। वैसे आज के हिसाब से ये आपके लिए बेहतरीन है, जिन्होंने दौड़ना है उनके लिए मौसम भी बेहतरीन है, बारिश भी बेहतरीन है और इंशाल्लाह आपको सही मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने एक बात दौड़ की है, जो भागने वाले नहीं थे ना, जिन्होंने खाली शुगर लगाना था, वो सारे भाग गए हैं। ऐसे की माने ऐसे भाग गए हैं, रास्ते में हम जो बेसिकली स्पोर्ट्स को तरजीह दे रहे हैं उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप जब मुकाबला करेंगे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह। जो जो भी नौजवान किसी भी गेम में नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह उसको हम पाकिस्तान में ही मौका देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी मौका देंगे। अब चूंकि बारिश हो चुकी है, अब मैं एक नकद ऐलान कर देता हूं, जो इनाम मौसम की वजह से जो पहले इनाम मिल रहा था पहले वाले उठा था पहले वाले पहले वाले का है 4 लाख, अब 3 लाख नहीं है। दूसरे वाले कितना है? 2 लाख। दूसरे वाले का 2 लाख नहीं है, अब 3 लाख है। दूसरे वाले का 1 लाख, 1 लाख वाले का 2 लाख। अभी मुझे इतला मिली है कि इस्लामाबाद में पहले जलसागाह की जगह बदली गई और जगह बदलने के बाद अब हमारा जो जगह बदलने के लिए सामान जो हमारा पड़ा था उसको जाके तरोल थाने ले गए हैं। तो मैं वादे बता रहा हूं, वादे कि सब सुन लो, सामान वापस करो, जो जगह बताई है वहां पे जलसे के लिए सामान लगाने दो, वरना मैं सामान भी आके लगा लूंगा, जलसा भी मैं कर लूंगा और उसके बाद ये तरनोल थाने वाले तुम्हें जो हुक्म दे रहे हैं ना तुम्हारे बाबे, वो बाबे सुन ले कि उसके बाद मैं तरनोल थाने जाऊंगा ये सामान लेने के लिए। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं और पहले रसीद देते हैं, पांव पकड़ते हैं। हमारे लीडर का जर्फ है कि उसने कह दिया कि हालात ठीक नहीं थे, जलसा कैंसिल कर दिया उसने, अपनी दीवी रसी के बाद ड्रामे करते हैं आप। ये मुल्क आपके बाप का है और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आप इजाजत आप दो या ना दो, ये जलसा भी होगा और ये सामान तरनोल थाने में अगर हुआ तो मैं तरनोल थाने जाके सामान उठाऊंगा। ये मेरा वादे पैगाम है, पूरी कौम सुन ले, सबने आना है, मैं साथ साउंड भी लेके आऊंगा, कंटेनर भी लेके आऊंगा और जलसा भी करूंगा और ये सामान भी वसूल करूंगा। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद।